लूट के माल के साथ दो लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने टीम को इनाम देने की घोषणा की। घटना के बाद बहुत कम समय में ही पुलिस ने कर दिया खुलासा। आपको बता दें कि बीते शनिवार की शाम को बाइक सवार दो लोगों को बदमाशों ने चाकू की दम पर मारपीट कर करीब 50,000 रुपयों की लूट की थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और जिसके बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर दो बदमाशों को लूट के माल के साथ धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार प्रियदर्शी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जितेंद्र कुमार के साथ शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस मामले में पुलिस टीम ने खुलासा करते हुए अविनेश कुमार उर्फ मोनू, इंद्रेश कुमार कुशवाहा निवासी रूपापुर थाना पाली को लूटे गए 21,500 रुपये नगद, घटना में प्रयोग किए गए चाकू व बाइक सहित पाली थाना क्षेत्र भरखनी रोड से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 29 तारीख को रात्रि करीब 7:45 बजे एक जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति फरुखाबाद से अपने गांव जा रहे थे, लोनार क्षेत्र के रहने वाले थे। रास्ते में पाली थाना क्षेत्र में दो अज्ञात युवकों ने, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, इनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रुकवाया और चाकू के दम पे इनसे 50,000 रुपये छीन लिए। इस अपराध का पंजीकृत करके इसकी योजना तत्काल शुरू की गई और आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई और 24 घंटे के अंदर दो अभियुक्तगण इसमें पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से एक अभियुक्तगण का नाम है एक अभियुक्त का नाम है मोनू, दूसरे का नाम है इंद्रेश, दोनों थाना रूपापुर गांव रूपापुर थाना पाली के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लूट के 21,500 रुपये बरामद हुए और जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल उन्होंने घटना में किया था वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई और चाकू भी बरामद कर दिया। इस टीम को इस अच्छे काम के लिए 1,000 रुपये के नगद पुरस्कार से नवाजित किया जाता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।